नई दृष्टि कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्यारे दर्शकगण। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नौजवान लोग अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं अरविंद बिसेसर, सीनियर लेक्चरर MGI, और हमारे सहयोगी भी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। आज प्रस्तुतकर्ता के रूप में नहीं बल्कि थोड़ा सा ज्ञान बांटने के लिए आए हैं, अपने विचार बांटने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं कृषण दोसिया। आपके परिचय में क्या कहेंगे? कुछ ज्यादा कहेंगे तो आप जादू करना शुरू कर देंगे। आप जादूगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसके अगले एडिशन में कृषण दोसिया का नाम पब्लिश होने वाला है, क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है विश्व स्तर पर। बहुत ही बधाई, बहुत ही धन्यवाद आप लोग आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कृष्ण आप ही से, इस अटेम्प्ट के बारे में बताइए। इस एक शो था, एक कंपटीशन था, क्या था? बस दो चीज था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनेस को अटेम्प्ट करने के लिए, और दूसरा एक इंटरनेशनल गाला शो था जहाँ की 20 कंट्रीज भाग लिया था। और मैं उस गाला शो मैंने एक्सेलेंस अवार्ड मेडल मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ। ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन है, और फिर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ये तो एक अटेम्प्ट था, लेकिन मैं उस अटेम्प्ट को पॉज किया और रिकॉर्ड मैंने तोड़ा। और ये कहाँ हुआ था? और ये हुआ था न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, और ये जो पॉलियामेट का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, वहाँ पर फाइनल हुआ था, जहाँ ये जो ब्रिटेन का कंपनी है, ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो आया था दिल्ली में सुपरवाइज करने के लिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। ऑल ओवर रिकॉर्ड अटेम्प्ट तोड़ने के लिए, मतलब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा जादू या फिर सबसे लंबा शो क्या था? सबसे लंबा नॉन स्टॉप मैजिक शो। और आपने मिनट नहीं कहेंगे, कितने घंटे तक आपने शो? 6 hours 45 minutes लगातार। और रिकॉर्ड था इटली का 4 hours 45 minutes। ये 10 साल तक वो रिकॉर्ड था इटली के। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मैंने उस रिकॉर्ड 2 घंटे अधिक आपने किया। ये गर्व की बात है, मैं कहूँगा। अरविंद हमारे साथ है। अरविंद जी, गर्व की बात है कि हमारे हम वतन के एक नौजवान कह सकते हैं जहाँ पे उनका नाम वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में, मतलब हम देख पाएंगे। बहुत बहुत गर्व की बात है और बधाई देना चाहेंगे इनको। दुनिया भर में मॉरिशस का नाम रोशन करना, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जो जहाँ पर बहुत से दिग्गज लोग आते हैं। मैं बात कर रहा था शुरू में, इनसे बता रहे थे कि अमेरिका और भारत, इसे बड़े बड़े देश होते हैं, तो वहाँ पर 6 घंटे लगातार जाकर रिकॉर्ड तोड़ना, वो भी अपने कैसे कहेंगे कैसा रिकॉर्ड जो पीछे 10 सालों से था। हम लोग जब फुटबॉल की बात करते हैं तो रिकॉर्ड की बात करते हैं, एक रिकॉर्ड जब टूटता है तो ये बहुत बड़ी बात है और बधाई देनी चाहिए इनको। और फुटबॉल खेलते हैं तो 90 मिनट्स प्लस एडिशनल टाइम, और इनका था 6.45 आवर्स। बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छा लगा आप आए। और उस कंपटीशन के बारे में बताइए जहाँ पे आपको एक मेडल मिला था। कंपटीशन जहाँ मैंने मेडल ऑफ एक्सेलेंस पाया हूँ, तो ये कंपटीशन गाला शो था, यानी कि हर ऑर्टिस्ट को इंटरनेशनल स्तर पर, यानी कि इंग्लैंड था, अर्जेंटीना था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया, कई मैजिशन, बड़े बड़े मैजिशन था, जापान से था, कजाकिस्तान से था, नेपाल से था, श्रीलंका से था, और कई, मैं सब कंट्रीज़ को मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन तो 10 मिनट मिला था ये गाला शो करने के लिए। और भारत से, विदेश से, आर्ट्स एंड कल्चर का मंत्री, रिप्रेजेंट ऑफ कंट्रीज, वो असिस्ट किया था। तो मैंने 5 कंट्रीज जो हैं वो मेडल ऑफ एक्सेलेंस मिलता है, तो मैं उनसे हूँ। यानी कि 20 कंट्रीज से 5 कंट्री को ये मेडल मिला है, और मॉरिशस में ये मेडल मैंने नहीं मिला हूँ, लेकिन मॉरिशस को मिला है।
आप सोचिए कि मॉरिशस वर्ल्ड मैप में मॉरिशस एक दाने की तरह छोटा, और उसमें से एक नौजवान जाके अपना नाम एक ऐसा काम करते हैं जहां पे उसका नाम जाएगा वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड अटेम्प्ट जो है उसके बाद और इस कंपटीशन के बाद मॉरिशस आए आप, तो कौन कौन से नए दरवाजे खुले आपके लिए आपने देखा? हाँ, तो नया दरवाज़ा तो इंटरनेशनल स्तर पर दरवाज़ा खुला है, जैसे कि मैंने दुबई में मुझे ऑफर मिला है अटलांटिस होटल में और अन्य होटलों में शो करने के लिए, यानी कि तरह तरह के शो है, क्लोजअप शो, क्लोजअप मैजिक कॉमेडी शो, स्टेज लेवल पर मैंने ऑफर मिला है। मुझे लगता है अरविंद, आगे बढ़ने से पहले अगर जादू के बारे में बात करें है तो क्यों ना आपका एक शो देख ले, शो नहीं बल्कि एक छोटा सा मैजिक देख ले, छोटा सा एबीसीडी ऑफ मैजिक। एबीसीडी ऑफ मैजिक हमारे लिए तो मतलब वाक्य बन जाएगा। तो इस मैजिक के लिए मैं आप दोनों के बीच मैं आना चाहता हूं, ताकि आप जरूर जरूर आप आइए आइए यहीं पे आइए। तो मैं एक छोटा सा बाल ले सकता हूँ? वैसे बहुत कम है इसमें, तो आप लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। सिर्फ मैं सिर्फ एक लूंगा, चूज करके ले लीजिए। ये सफेद वाला लूं? हाँ सफेद वाला ले लीजिए, सफेद है इसमें। तो ये एक छोटा सा कतन है। ओके, कतन है। और आप ये जो कोट पहना हुआ है, एक चीज कमी है इसमें। ओके, हाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैजिक के द्वारा। टाई नहीं पहना मैंने? नहीं नहीं नहीं, ये कमी थी। अरे वाह, इसकी पूर्ति भी हो गई। और ये नेचुरल है, नेहरू स्टाइल। नेहरू स्टाइल, तो चलिए इसी की कमी थी तो अभी थोड़ा सा इसको यही पहन लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगली बार वैलेंटाइन के एक दिन पहले इनको बुलाएंगे। और एक दिखा दीजिए, क्यों नहीं, मन नहीं भरा। तो हाँ, तो मेरे पास तीन रस्सी हैं, रस्सी नंबर वन और ये नंबर दो और फिर ये तीन, तो एक दो तीन। तो इक्वल नहीं है, तो एक छोटा है और एक लंबा है और एक सबसे बड़ा लंबा है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें एक एन, दो एन, तीन एन है और फोर फाइव और सिक्स एन। तो मैं क्या करूँगा अब, ना तो ये रस्सी ये थोड़ा सा इलास्टिक है, ओके, बाद में मैं आपको दूंगा चेक करने के लिए। तो मैं उस ये रस्सी को मैं उसको हाफ में मैं करता हूँ। तो रस्सी नंबर वन, रोप नंबर वन, ये दिस इज रोप नंबर टू एंड रोप नंबर थ्री। सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। So the magic word for today won't be abracadabra. So the magic word of today, I just invented it. It will be stretcho. Stretch. Oh. Oh. Yeah. So now what I'll do? So I'll say the magic word. Stretcho. 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 So I have rope number one. Rope number two and rope number three here. Now what I'll do now, just take this please, I'll just tie rope number one to rope number two here, rope number two to rope number three here. So all three ropes are equal in length. Okay, so again the magic word, स्ट्रेच हो गया। नाउ आई अनटाई इट, सो रोप नंबर वन, यू नो व्हाट इज वेरी इलास्टिक, जस्ट प्लीज चेक इट, फिर से छोटी हो गया रस्सी। रोप नंबर टू, इट इज वेरी इलास्टिक एंड दिस इज हाइपर इलास्टिक, चेक इट। नो आई एम जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो सारा ये फ्री रोप, नॉर्मल रोप है,
एक छोटी सी ताली हो जाए आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका बनता है मतलब वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने का, और मॉरिशस हम वतन नौजवान वहां पे जाके नाम रोशन करें। बहुत आप एक और देखना चाहते, ये इनके लिए ABCD है। हाँ, ये ABCD हमारे लिए तो दुनिया है। आप आइए बैठिए अपनी जगह पर। तो चलिए आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे मैजिशियन क्रिश उनके पापा क्या महसूस करते हैं जब उनका बेटा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करे, दोसिया फैमिली का नाम रोशन करे, मॉरिशस का नाम रोशन करे है। तो चलिए तुरंत मिलते हैं क्रिशन के पापा से। हम के छोटे से बोले, पापा तो हमारा खातिन है जादू के पुस्तक लीव हमारे खातिन खरीदिए। हम खुशी हैं जब बड़ा हो तो हम जादू करब। है पहला पुस्तक है जो हम शहर के बाजार से खरीद कर आके उनकर हाथ में देनी। बोली, बेटा ये पहला तो पुस्तक हम देवत हैं, देखिए तू कैसे अपन जादू पढ़वे। तो उनकर माँ के जादू पसंद नहीं रहल, काहे वो बोले जादू में चाहेला बहुत चीज जाके सीखे के, जाके चाहेला मुताई में जाए के, जंगल में जाए के। तो ओकर मन में ऐसे रहल और डर पैदा कर दिल ओकर मन में कि ओकर बेटा जाए तो पंगार ओके कोई प्रॉब्लम हो जाए जादू में। तो गाड़ी के आदमी लोग सब में रहल न। हमके तो अति प्रसन्नता होल और अति खुशी होल, और इतना खुशी होल कि मैं हम फूले नहीं समाई। तो इसके बारे में जब मके की सूचना मिलल कि ओकर नाम चल गल गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये खाली हमार खातिर नहीं, जितना मॉरिस के आदमी बा, जितना कोई बा मॉरिस लोग मॉरिस में, उन लोगों को चाहेला गर्व महसूस करे के। वापस आते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं नई दृष्टि कार्यक्रम, और मेरे हाथ में फूल है, आज ही मिला है जादू से। और हमारे साथ है मैजिशियन क्रिश। थोड़े समय के लिए अरविंद, मैं इनके क्षेत्र में बात करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा नौजवान है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना नाम रोशन कर रही है, लेकिन मॉरिशस में नौजवानों की कमी है इस क्षेत्र में, रुचि कम हो गई है। और देखिए, आप बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए बस अगर आपको जादू करना आता है वो काफ़ी नहीं है। क्रिश को हमने देखा, वीडियोस देखे, काफ़ी शोज हमने क्रिश के देखे हैं। आजकल किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे वो जादू के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रेजेंटर के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ बस वही करना आता है तो आप सफल नहीं होंगे। आप मानेंगे कि ऐसे बहुत से छोटे मोटे जादूगर होंगे जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिश में देखो वो हुनर है, वो टैलेंट है कि वो अच्छी तरह से बात कर सकता है। हिंदी में बात की, अंग्रेजी में भी बात करता है, फ्रेंच में भी बात करता है। तो ये कहीं पर भी जाएगा दुनिया भर में, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, वो अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा। भाषा पर पकड़, दूसरी बात प्रस्तुति, द वे जिस तरह से वो अपने आप को स्मार्ट है प्रस्तुत करता है, और स्टेज में जब आता है हीरो बनकर तो ये स्टेज प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोगों का नहीं होता, वो भी अपने आप में कला है जो इनके पास है। और ऊपर से इनके वीडियोस जब हम देखेंगे, जो संगीत म्यूजिक अकॉम्पेनिमेंट आता है, क्रिश अभी बता रहा था वो खुद करता है,
तो एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। आज नौजवानों की बात हो रही है, अगर हम जेन कॉन्स्टेंस को ले, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, देख रहा था कि एक लड़की जो है स्पेस से जीतते कंपटीशन में वो पहली आई। सो ऐसा नहीं कि उनमें सिर्फ एक ही टैलेंट है, बल्कि दे आर मल्टी टैलेंटेड, और ये नौजवानों में इसका विकास होना ज़रूरी है, तब जाकर हम कहीं अपना नाम रोशन करेंगे। अभी स्पोर्ट्स की बात की आपने, हमारे यहाँ एक अविनाश पांडू नाम का एक वेट लिफ्टर था, मॉरिशस का था, अभी वो मलेशिया का कोच बन गया है, लेकिन उसका बेटा मॉरिशस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो वापस आया मॉरिशस में, अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने कितने रिकॉर्ड तोड़े, और जब उसे बात की तो उसने बताया कि पापा ने मुझे बताया था कि पढ़ाई करो और साथ साथ इस खेल में भी भाग लो, ही जी एक कंप्लीट पर्सनालिटी, कंप्लीट पैकेज। तो ये राज है सफलता के लिए विश्व स्तर पर। मल्टी टैलेंटेड आपने कहा, मल्टी स्किल हमारे नौजवानों को होना चाहिए ज़रूर, और जिसे आपने कहा कि हमारे साथ, जैसे हम मॉरिशियन है, हमारे पास कई भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, क्रियोल है, भोजपुरी है, हिंदी है, तो आप कहीं विश्व में कहीं पर भी जा सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। मैजिशियन क्रिश, क्रिशन आपसे कहना चाहूँगा, आपके फील्ड में हम घर को चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मॉरिशस जो टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ते बढ़ते जा रही है, और फिर रेस्टोरेंट में न सिर्फ मॉरिशस लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्रूज शिप लगभग दुनिया में लगभग 500 है, 500 है, और हर क्रूज शिप में एक मैजिशियन होता है। जैसे कि हमारा भाई बहन मॉरिशियन को वो जाती हैं काम करने के लिए, वेटर, बॉमैन, वाले डी शॉम एक्सेट्रा, तो वहाँ हर क्रूज शिप में एक मैजिशियन होता है। यानी कि जब शिप बाहर जाता है तो 500 मैजिशियन बाहर जाते हैं, ये ओब्लिगेटरी है, हर क्रूज शिप में एक मैजिशियन होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और फिर जब 500 मैजिशियन आउट हो जाते हैं, यानी कि 500 क्रूज शिप बाहर जाते हैं, और जब वो लौटते हैं, यानी कि 500 मैजिशियन बाहर आते हैं, फिर 500 मैजिशियन को अंदर होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 1000 मैजिशियन, ये जब परमानेंट है 1000 मैजिशियन के लिए दुनिया भर में। और फिर ये मैं सिर्फ क्रूज शिप की बात कर रहा हूँ, तो न सिर्फ क्रूज शिप है, लास वेगास में कई हंड्रेड्स ऑफ रेस्टोरेंट हैं, हाई स्टैंडर्ड हाई लेवल रेस्टोरेंट हैं, पेरिस में हैं, लंदन में हैं, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ भी मैजिशियन बहुत अच्छा मैजिशियन है, और वहाँ होता है वो अपना, यानी कि ब्रेड अपना रोजी का काम है। जैसे कि एक मेरा दोस्त है ए मैजिशियन राजन, शायद फ्रीपोर्ट में मिला था, वो कई बार मॉरिशस आए थे, एग्जैक्ट हाँ, फ्रीपोर्ट मॉरिशस में शो करने के लिए। वो इस वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इस मैजिक में, अगर मैं हम हमारा ये जो पड़ोस का, यानी कि हमारा भाई का देश, यानी कि भारत, वो भारतीय हैं, वो विलेज में था, वो जयपुर आया, और फिर वो अब उसका घर 3 मंजिले है, लोन नहीं लिया है, जादू के बदौलत, मतलब इस काम के बदौलत, इस काम के बदौलत से वो ये राजस्थान का सबसे बड़ा मैजिशियन है। हम ये एग्जांपल भारत से लेंगे, और भारत से यूरोपियन, अब मान लो यूरोपियन का मैजिशियन कितना कमाता है, कितना कमाता है। यानी कि मैं मॉरिशस का नौजवानों को मैं सलाह देता हूँ कि इस फील्ड पर होनी चाहिए। क्रूज शिप के बारे में बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि हाल में ही हमने एक प्रोग्राम, नई दृष्टि प्रोग्राम किया था, जहाँ पे हमने बताया कि सरकार और मॉरिशस सरकार द्वारा नौजवानों को इनक्रेज किया जा रहा है क्रूज शिप में काम करने के लिए, चाहे होटलरी हो, चाहे बॉमैन हो, या फिर जादूगर क्यों ना हो, इसकी कमी है हमारे मॉरिशस में, और काम करना चाहिए। वैसे रितेश, जब प्रोग्राम से पहले मैं क्रिश से बात कर रहा था, तो कुछ तस्वीरें वो दिखा रहे थे मुझे, जिसमें तेहूज के प्रोफेसर हसन रफा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जानते थे उनको? हाँ, नहीं नहीं, वे आप तो बड़े हैं मुझसे, हाँ सीनियर है। तो वहाँ पर कॉलेजों में आप देखते हैं कि कभी म्यूजिक डे होता है,
कभी प्राइज गिविंग डे होता है तो नौजवानों को मौका दिया जाता है. मैंने फोटो में देखा है इनको भी मौका दिया गया था. और पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग सीखना, आज हम लोग सोचते हैं कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं फॉर्म फोर करेंगे, फॉर्म फाइव एस सी स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन ये भी होता है कि यूनिवर्सिटी करने के बाद आप सोचेंगे अब मैं क्या करूं. लेकिन साथ साथ में जैसे इन्होंने पढ़ाई की और साथ साथ में इस क्षेत्र में आए और अभी इनकी रोजी रोटी बन गई और पूरी दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं. नौजवानों को ये कहना ज़रूरी है कि मॉरिशस के छात्रों में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें मल्टी टैलेंटेड बनाता है. अभी हाल ही में सरकार की ओर से जो होलिस्टिक एजुकेशन की बात हो रही है कि उनको ड्रामा सिखाओ, उनको आर्ट्स सिखाओ, उनको जादू सिखाओ, ताकि हु नोज आगे चलकर वो इनके लिए एक रोजी रोटी बन जाए. मैं कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूँ. मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे कंधे पर लेकर फुटबॉल मैच दिखाने ले जाते थे. हमारे गांव की टीम जब खेलती थी, शाम को जब आते थे अखबार लेकर रख देते थे टेबल पे और मैं अखबार के पीछे से पढ़ाई शुरू करता था क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज पीछे से आता है. अनजाने में ही वो एक तरह से आज मेरे लिए एक 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 पेशा बन गया या फिर एक नाम कमाने का या फिर लोगों की सेवा करने का एक एक माध्यम बन गया अनजाने में. तो ऐसे कुछ टैलेंट हैं जो हम नौजवानों में और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि आगे चलकर वो कहेंगे चलो इस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल रही है तो ये क्षेत्र में आ जाते हैं. अगर मान लीजिए मैजिक शो इनका नहीं चला, कल ये अच्छा प्रेजेंटर बन सकता है, कल एक अच्छा प्रेजेंटेटर या फिर किसी भी रूप में क्रूज शिप में जाकर काम कर सकता है. तो ये जरूरी है कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाओ ताकि कहीं ना कहीं उनका रास्ता बने. वैसे कृष्ण, आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि मैजिक शोज मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन आप कैसे इस क्षेत्र में आए उतरे? जब मैं 10-11 साल का था, छोटा था, तो एमबीसी यानी कि मैं 25-30 ईयर्स बैक मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ. एमबीसी डेविड कॉपरफील्ड का प्रोग्राम चला रहे थे एमबीसी पर और उस वक्त इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो मैंने जब एमबीसी लगभग हर सप्ताह ये डेविड कॉपरफील्ड का शो चला रहे थे एमबीसी पर, तो इससे मैंने इंस्पायर्ड हुआ. शायद अगर आज एमबीसी नहीं था तो मैं यहाँ नहीं होती. एक बहुत ही मैं मुझे आज मुझे मौका मिला है धन्यवाद करने के लिए. अरे वाह, बहुत ही अच्छा. हम बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को और साथ ही साथ एमबीसी के पूरे स्टाफ को जो ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं. अरविंद, आप मानेंगे कि बहुत सारे हमारे मॉरिशन कलाकार एमबीसी द्वारा बहुत ही उन लोगों को मंच मिला है, क्योंकि जिस वक्त ये बात कर रहे हैं उस वक्त उस समय टेलीविजन के नाम पर सिर्फ एमबीसी था. आज बहुत सारे ऐसे माध्यम, इंटरनेट है, यूट्यूब है, एमबीसी ने बहुत उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है. बहुत बड़ा कलाकारों में जैसे इन्होंने बताया कि तो मौका मिला प्रोग्राम करने के लिए. अभी आपने रेडियो में सुना होगा, टीवी पर भी एड्स आ रहे हैं कि एमबीसी एक तरह से एक टैलेंट सर्च के रूप में लोगों को ढूंढ रहा है. तो उसमें कुछ ऐसे नौजवान आएंगे जो एक मौका ढूंढ रहे हैं दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं. और ऐसे मौके जब नौजवानों को दी जाएंगे तो एक उनके सामने नया रास्ता, नई दृष्टि खुलेंगे. आइए आगे, एमबीसी आपके सामने है, ऐसी बहुत सी संस्थाएं जो आपको मौके देंगे. कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो पहला कदम आप बढ़ाएंगे आगे वो आपको बहुत आगे ले जाएगा. क्यों नहीं, क्रिश की तरह वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम शामिल हो और मॉरिशस का नाम भी आगे बढ़े. बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं और समय आ गया है जाने का. यहाँ पे हमारे कार्यक्रम के अंत तक हम आ गए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन कार्यक्रम की पहली कड़ी है ये, मतलब फर्स्ट पॉड, उसकी दूसरी कड़ी आएगी जरूर. आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, जहाँ पे हम और जादू देखेंगे और अरविंद के बारे में बात करेंगे. एक छोटा सा मैं आप लोगों का उनका परिचय मैं आप लोगों को दे दूंगा कि अरविंद, आपको सम्मान मिल गया है, विश्व भोजपुरी सम्मान बिहार सरकार और विश्व भोजपुरी सम्मेलन द्वारा. और साथ ही साथ आपका एक पब्लिकेशन भी है जो अभी जापान के एक यूनिवर्सिटी में है,
तो इसके बारे में जरूर बात करेंगे आप लोग, प्रतीक्षा इंतजार जरूर कीजिए और हाँ देखते रहिए नई दृष्टि कार्यक्रम। जाना।